हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दो कमोडिटी फेमस हैं उसके बारे में, गोल्ड और सिल्वर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या चुनाव के कारण गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़े या फिर इंटरनेशनल चीज़ों के कारण या जियोपॉलिटिकल जो भी चल रहा है, ईरान अमेरिका का या फिर यूक्रेन रूस का या फिर चाइना की टेंशन की वजह से रेट बढ़े हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो जिन्होंने ऐसा बताया है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स, बट पर्सनली मुझे लगता है इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया ने बहुत इम्पैक्ट डाला है इन दोनों कमोडिटीज़। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है और हमारे चुनाव ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 2019 की बात करूं तब भी करेंसी में वी हैड अ 2000 रुपीज़ के नोट थे। इस बार 2000 रुपीज़ के भी नोट नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज़ के नोट हैं। मैं ना ले लाइक ओपन बात करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है या ऐसा मेरा सोचना है, स्पेशली सिल्वर इट इज़ करेंटली यूजिंग एज अ लाइक उसको लोग यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो करेंसी भी यूज़ हो रही है, क्योंकि या फिर गोल्ड दोनों ही मतलब चुनाव के कारण भी इम्पैक्ट आया है। अभी आपको पता रहेगा चुनाव में आप कहीं पे भी एक लाइक कैश नहीं लेके जा सकते, इनफैक्ट आप 50,000 भी नहीं लेके जा सकते। तो इंडिया में जो इतने बड़े चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइड होता है या पूरा मिनिस्ट्री डिसाइड होता है, तो उसमें आई डोंट नो इसमें ये यूज़ भी हो सकता है कि एक एज अ करेंसी के लिए भी यूज़ हो सकता है सर्वर, मेरा ऐसा सोचना है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रेट इतने ऊपर गए हैं सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं अगर मैं बात करूं अभी के जो रेट्स हैं, और इनको समझते भी हैं हम लोग, देखते भी हैं ग्राफ पे, बहुत सारे लोगों का मानना है कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड भी क्यों बढ़ी है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको बैंक ट्रांजेक्शन ठीक है करना है तो आप कितना भी कर सकते हो, करेंसी में इफ़ यू वांट टू ट्रांजेक्ट तो आपके वो लिमिटेशन, आप कितने नोट लेके जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आजकल सिल्वर यूज़ कर रहे होंगे तभी ये इतना भाव बढ़ गया है। और कुछ कुछ वीडियोस भी मुझे मिले जिन्होंने लाइक जैसे खान सर है जो बच्चों को पढ़ाते थे वगैरह हैं, उनका भी यही मानना था कि चुनाव के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आएंगे, और 2019 में भी ऐसा हुआ था और अभी 2024 में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे प्राइस आ सकते हैं जो अभी ऑल टाइम हाई पे गए और ऑलरेडी गिरना शुरू हो गए। जब से मेजोरिटी चुनाव हो चुके हैं तब से सिल्वर का भी गिरना शुरू हो गया है और गोल्ड का भी मतलब थोड़ा अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो देखते हैं ग्राफ पे, समझते हैं सिल्वर और गोल्ड की अभी क्या पोजीशन। तो ये मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें गोल्ड फ्यूचर्स जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट चालू है 2335, और पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट का आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा चार्ट है गोल्ड का, या 1 ईयर का भी चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो टॉप है 2451 का टॉप है और उससे ऑलमोस्ट अभी 100 रुपये ही करेक्ट हुए हैं, और साल भर पहले तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 का रेट था, तो मतलब ऑलमोस्ट 40% बढ़े हैं गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में। अभी सिल्वर पे आ जाते हैं, सिल्वर का रेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखेंगे सिल्वर के फ्यूचर्स में निकाल लेता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है या भी। सिल्वर
आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई पे, जो सिल्वर का ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट या ₹95,950, ऑलमोस्ट 96,000 का हाई है। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 5% नीचे आया है, 90,000 पे आया है, और ये विद इन अ वीक में ही आया। अब वीकली कैंडल लगाई हुई है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, जब मुंबई के चुनाव खत्म हो गए उसके बाद ही ये गिरना शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है अभी जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे वो सिल्वर 80,000 भी आ सकता है, क्योंकि 80,000 का बड़ा सपोर्ट है। आप देख सकते हैं 80,000 में मल्टीपल उसने एज अ टॉप भी सपोर्ट लिया हुआ है और बॉटम भी एक बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो एक बार 80,000 पे आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है चार्ट्स को देख के। बाकी आप अपने खुद स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, ये कोई बाइंग सेल एडवाइस नहीं है, बस अपना थिंकिंग ऑफ माइंड है। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप एज किसी को एज अ करेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सपोज आपको किसी को 1,00,000 रुपये देने, तो आप 1 kg का सिल्वर देंगे तो ही कैन कैशिफाई फ्रॉम द ज्वेलर्स। तो वो एक चीज़ है कि सिल्वर के भाव अभी क्यों बढ़े, चुनाव के टाइम पे ही सिल्वर इतना क्यों बढ़ा, वो सोचने वाली बात है, और एग्जैक्टली चुनाव के मंथ में, क्योंकि मे बी ऐसा है कि इंडिया में बड़े नोट नहीं चल रहे हैं। पहले 2014 की बात करूँ तो 1,000 के नोट थे, 2019 में भी 2,000 रुपये के नोट थे, इस बार नोट ही नहीं है, 500 रुपये के नोट हैं, अगर वो देखें तो बहुत छोटे नोट हैं जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है या जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और इंडिया छोटी कंट्री नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% हम लोग कंसिस्ट करते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़े चुनाव, तो ये मेरे को लगता है कि उस वजह से भी बढ़ा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आज अगर आप सिल्वर कहीं कैरी करते हैं और कैश कहीं कैरी करते हैं तो दोनों में फर्क है, यू विल फील सेफ विद द सिल्वर, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है आप सिल्वर या गोल्ड, इसलिए मेरे को लग रहा है कि बढ़ रहे हैं। और मैं इसका फ्यूचर आपको मतलब पास्ट में देखते हैं कि 2019 में क्या था, 2019 की बात करूं मैं, याद है 2019 में भी सिल्वर ने टॉप मारा था सितंबर में, और उसके बाद जो गिरे थे, मतलब सितंबर में ऑलमोस्ट 51,000 गए थे, फिर 43,000 आए थे, और फिर कोविड में तो बहुत ही लो आ गए थे, 33,000 पर केजी पे आ गया था। तो सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल है, अभी बड़ा है तो अभी मेरे हिसाब से जिस लेवल पे अभी गया है वहाँ से एक डिप तो ज़रूर दिखाएगा, और बीच में 5 साल तो एक ही रेंज में अटका था, टॉप की रेंज थी 78,000, बॉटम की रेंज थी 58,000। आप देखेंगे कितनी बार ऊपर नीचे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार इसने उसी रेंज में ऊपर नीचे गया हुआ है, जो थी 75,000 to 80,000 और नीचे 60,000 की रेंज। तो सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल है, और कितनी भी डिमांड मेरे ख्याल से बड़ी हो, बट इस हिसाब से बढ़ना, मैं थोड़ा सा इतना बुलिश नहीं हूँ सिल्वर पे अभी, क्योंकि जो बड़ा है ये एक ज़रूर एक कमबैक इसका नीचे आएगा, और 80,000 मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद 2-3 महीने में आपको दिख सकता है, दिवाली के पहले आपको 80,000 दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये जस्ट मेरा नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा मैं ट्रैक करता हूँ सिल्वर गोल्ड को, तो उस हिसाब से पर्सनली आई थिंक, और अभी ये जो हाई दिखाया है, कोई बोले ना बोले, मुझे ऐसा लगता है इंडियन चुनाव के कारण, जो इंडिया में लोकसभा चुनाव है उसके कारण ये जो हाई गया है, क्योंकि अभी करेंसी है नहीं इंडिया में, कैश इतना है नहीं, मोदी जी ने ऑलरेडी सारे नोट बंद कर दिए, तो शायद लोग सिल्वर गोल्ड को ही एज एक्सचेंज करके अपना काम चला रहे हैं शायद। अभी गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड का मैं बुलिश ज़्यादा हूँ, गोल्ड नीचे नहीं आता है, एक बार बढ़ जाता है तो बहुत कम नीचे आता है, क्योंकि गोल्ड का इंडिया में कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे मैं बार बार इंडिया ही क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों कमोडिटीज़ गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया ड्राइव करता है पर्सनली आई थिंक,
लोग कितना भी बोले, यूएसए, ईरान, रूस, रशिया और ये यूक्रेन, चाइना, बट जो इंडिया में क्रेज है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, और कहीं नहीं है। गोल्ड के लिए तो बहुत ही है, गोल्ड तो मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एक इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी है मेरे ख्याल से। एक बार बढ़ता है तो नीचे आता ही नहीं। गोल्ड, गोल्ड ने 55 का टॉप मारा था कोविड में, उसके बाद आया था 44 पे, ऑलमोस्ट काफी नीचे आया था, मतलब 25-30% नीचे आया था। गोल्ड ने अगर 25-30% का करेक्शन दिखाया तो बहुत हो गया। नॉर्मली गोल्ड 5-10% का ही करेक्शन दिखाता है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो। ये आप देखेंगे अप ट्रेंड, ये अभी यहाँ पे गोल्ड ने ऑलमोस्ट 72,000 टच किया है। अगर ये 60 की रेंज में मिलता है, 61 की रेंज में, तो खूब बाइंग आएगी, क्योंकि गोल्ड में कन्विक्शन बहुत ज्यादा है इंडियंस का, और मुझे ऐसा लगता है इंडियंस ही गोल्ड को ड्राइव करते हैं, इसलिए इतना गोल्ड अप ट्रेंड है। इंडियंस बहुत गोल्ड को कंज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, मेल हो या फीमेल, गोल्ड इज समथिंग, एक स्टेटस सिंबल बन गया। और कभी भी इंसान उसको कैशिफाई भी कर सकता है, अगर आपको पैसे की जरूरत है आप गोल्ड से पैसा ले सकते हैं, या फिर आप लोन भी ले सकते हैं। तो इसलिए शायद गोल्ड का ट्रस्ट बढ़ता ही जा रहा है, और गोल्ड को रखना संभालना इजी है एज कम्पेयर टू चांदी। हाँ, चांदी का भी जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ रहा है, बट बहुत फर्क है, ऑलमोस्ट 100 गुने का फर्क है गोल्ड और चांदी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद चांदी में तो करेक्शन आएगा, गोल्ड में भी 10% तक का करेक्शन आ सकता है, बट चांदी में इट कैन गो अराउंड 15-20% भी आपको करेक्शन मिल सकता है। गोल्ड में 10% का करेक्शन आता है। अभी आप देखेंगे अप्रैल 23 में, लास्ट ईयर की बात है, 61 पे गया था, फिर गोल्ड 56 पे आया था, तो 61 to 56 ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो गया। बीच में मई 22 में 55 से फिर 49, 10% का करेक्शन आपको इजीली दिखेगा गोल्ड में। अभी 72 पे गया है, हो सकता है 65-60 तक आ जाए, बट सिल्वर, सिल्वर बड़ा करेक्शन दिखाता है हमेशा। हाँ, बढ़ेंगे, सी आई पर्सनली लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश, बट इन अ नियर टर्म, दिवाली के पहले आपको दोनों में करेक्शन दिख सकता है पर्सनली आई थिंक, क्योंकि ये चुनाव का हाइप है, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट शेयर कीजिए, और जो जो लोग चुनाव की बात नहीं कर रहे, जितने भी गोल्ड सिल्वर के एक्सपर्ट है, मैं उनको बोलूंगा आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है जो एक्सपर्ट हैं गोल्ड सिल्वर में, चुनाव के कारण कितना इम्पैक्ट आया है आप बताइए। मुझे पर्सनली लगता है बहुत इम्पैक्ट आया है, क्योंकि मैं भी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो इंसाइट रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से फर्क आता है, और इस बार ज्यादा आया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंसी नहीं है कोई, करेंसी है तो फिर वो 500 के नोट्स ही है, इसलिए शायद गोल्ड सिल्वर का रेट इतना बड़ा। और अभी जैसे ही चुनाव खत्म हो रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं। सिल्वर तो ऑलमोस्ट आपका 5% करेक्ट भी हो चुका है। सिल्वर मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नहीं 77,000 तो मुझे दिख रहा है, जो यहाँ से 13% 13-14% है, 90,000 91,000 पे सिल्वर है, तो यहाँ से भी 13% सिल्वर करेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए, बाकी तो न्यूज़ बेस आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएंगी जो इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पर्सनली जो मुझे लगता है, मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आई होप मैं कुछ इंसाइट दे पाया हूँ अपने साइड से। ओके दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप अपने कमेंट में बताइए कि क्या रीज़न है गोल्ड सिल्वर का बढ़ने का, डिमांड बढ़ी है, जियोपॉलिटिकल है चीज़ें हैं उसके पीछे, अमेरिका है, ईरान है, या चाइना है, या फिर हमारे लोकसभा चुनाव है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।